नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान वर्सेस ओप्पो A77s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच जबकि Oppo A77s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 19 Pro Mondrian से कम है। विड्थ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच जबकि Oppo A77s में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम्स जबकि Oppo A77s में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस जबकि Oppo A77s में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 19 Pro Mondrian में 1080x2460 और Oppo A77s में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19 Pro Mondrian में 88.55% जबकि Oppo A77s में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo A77s में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A77s की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A77s की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Oppo A77s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 19 Pro Mondrian में Mali G57 MC2 जबकि Oppo A77s में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 और Oppo A77s में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB जबकि Oppo A77s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स जबकि Oppo A77s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 19 Pro Mondrian 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Oppo A77s की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो कैमन 19 Pro Mondrian में 8 फायदे और 5
नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो A77s की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 प्रो मोंड्रियान आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में ओप्पो A77s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 19 Neo है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।